अच्छा ये एक चीज है ना, अगर इसको धूप मिलेगी तो ये ज्यादा इसमें फुर्ती आ जाती है जी। और जगह जब इंसान को डर लगता है तो मम्मी याद आती हैं, या मम्मी और पापा दोनों याद आ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम जा रहे हैं विश्वामित्र। मेरे साथ है मेरे भाई अभिषेक। वी आर ऑन द वे, हम विश्वामित्र की तरफ जा रहे हैं। और जो ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र ने तप किया था। मुझे अभिषेक भाई ने बताया है कि बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत ज्यादा शांति मिलती है वहाँ। एक छोटा सा प्रोग्राम भी है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और भी अपने दो भाई हैं पीछे तो कल हमने घाट एक्सप्लोर किया था, आज हम जा रहे हैं विश्वामित्र। और शाम का क्या प्रोग्राम होगा अभी तक कुछ पता नहीं है। चलिए एक बार चलते हैं वहाँ और एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा ट्रैक भी होगा। और ये सब हम लोग इसलिए लेकर के आए हैं इतना सब कुछ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर एक्सट्रीम पहुँच गया। मुझे यहाँ आने से पहले अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा गर्मियाँ हो जाएगी, लेकिन मुझे अभिषेक भाई ने ये बताया है कि वहाँ ऊपर जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि ठंडी हवा चलती है। जगह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बड़े वृक्ष है और उन बड़े वृक्ष होने के कारण वहाँ पे माहौल थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। आज तो अच्छा खासा मोटो ब्लॉग शूट हो रहा है। ये वो जगह है कि जहाँ पर बाइक खड़ी हो जाती है, यहाँ से ऊपर का ट्रैक है और जाना है हमको वहाँ ऊपर पहाड़ के। अपने दोनों भाई आ चुके हैं यहाँ, लखन भाई और आज हम लोग बड़े जॉली मूड में हैं क्योंकि आज सुबह से सब कुछ बढ़िया हो रखा है। और ये सुबह से हम फर्स्ट टाइम निकले हैं आज, तो पूरे सब लोग एनर्जी से बिल्कुल मस्त वाले भरे हुए हैं। वाटरफॉल टाइप में। अच्छा, ऊपर बारिश होती होगी तो ऊपर आता होगा पानी, पूरा ये पानी रहता है यहाँ पे। बोतल में बोतल यहाँ पानी के अलावा किसी और चीज का सहारा नहीं है। और बात अगर मैं करूँ यहाँ के ट्रैक की तो बहुत ही हार्डकोर ट्रैक है। देखिए अपने भाई लोग चढ़ रहे हैं यहाँ ऊपर, इसी तरीके से चढ़ के जाना है ऊपर तक। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है यहाँ के, ये जो ट्रैक है ये पूरा डेजर्ट में है। देखिए पूरा रेगिस्तानी इलाका है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है। रेटल स्नेक होते हैं यहाँ, रेटल स्नेक सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है, स्कॉर्पियो पाया जाता है। तो भैया इस पहाड़ी को वैसे नाग पहाड़ी कहा जाता है, इस पहाड़ी पे काफी सारे नाग होते हैं, स्नेक बहुत सारे होते हैं। ये स्नेक माउंटेन भी है, स्नेक माउंटेन के नाम से फेमस है ये जगह। देखो इन दिलेर लोगों को, स्नेक माउंटेन पे चढ़े जा रहे हैं ये लोग पूरे फुल कैलिबर के साथ। और लखन भाई के चेहरे की जो स्माइल है आज, नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है। वहाँ नीचे से आ रहे हैं हम लोग अभी, और कितना ऊपर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना ऊपर है? 20% हुआ अभी, 20% है। पसीना छूट रहे हैं, मस्त वाला पसीना छूट रहा है। यहाँ की मेरी एक फोटो है मेरे पास, इतना ग्रीन था ये, इसको देख के दया आ रही है मेरे को। गर्मी इतनी है, हम भी सूख रहे हैं, ये भी सूख रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है ये है गूगल का पेड़। हाँ वो नहीं होता अपने यज्ञ वगैरह करते हैं, गूगल का प्रयोग करते हैं। अच्छा ये वो गूगल है, गूगल है इसमें। हाँ इसका स्मेल देखो आप, इंसेंस। अरे 3000 रुपए किलो है, जबरदस्त। जो ये पेस्ट है जो इससे गर्मी से निकलता है जब कट लग जाता है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे बहुत से पेड़ है। हाँ इसी लकड़ी से हम यहाँ पे ट्रेडिशनल डिनर बनाते हैं, खाना कुछ करते हैं। अच्छा करते हैं हमारे लिए, उसमें इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है और इतना अच्छा बनता है ये खाना, इसका टेस्ट वाकई लाजवाब होता है। तो हम इसी पेड़ का यूज करते हैं जो सूख जाते हैं या बारिश में नदी के कारण टूट के नीचे आ जाते हैं, उनको साइड में रख लेते हैं, फिर एक साथ उनको इकट्ठा कर लेते हैं। वही है, तो फिर ये पीछे से एक्शन कर रहा है। यहाँ से आना है ना? हाँ यहाँ से। ओके ऊपर का भी जाने का माइंड हो जाए, ध्यान रखना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से। किधर से आना है? बस बस यहीं से। और
नहीं नहीं लगी नहीं, बच गया बिल्कुल, बाल बाल बचा। यहाँ से बैलेंस बना के ऊपर है ना, आराम से बैलेंस बनाइए। सिर बच गया ना। अच्छा महामानव, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। बचने का एक ही उपाय, बस चट्टान के नीचे से बैठ जाओ और आराम से और उसमें से कुछ निकल के आएगा अंदर से, होल में से, और पप्पी ले लेगा, पप्पी ले लेगा, इससे बात नहीं। और प्यार वाली पप्पी ले लेगा। और एक और उपाय, हाँ हाँ, जल्दी ऊपर पहुंचो। एक नंबर भाई, वहां कहीं नीचे से हम लोग आ रहे हैं, सांस फूल गई आते आते, काफी ऊंचा है, उससे भी ज्यादा क्या टेम्परेचर 42 डिग्री है, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा मुझे यहाँ आने से पहले अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। और देखो हमारे राजस्थानी टाइगर्स चढ़े जा रहे हैं ऊपर, और मैं यहाँ थका हुआ सा बैठा हूँ, लेकिन अब मुझे भी थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है और जाना है ऊपर। यहाँ से नीचे जाने का मतलब ऊपर जाना। व्यू देखो आप लोग, व्यू पीछे वो पूरा रेगिस्तान है, आपको दिख रहा होगा, हार्डकोर रेगिस्तान, हरियाली नहीं दिख रही यहाँ से बिल्कुल भी। और यहाँ हमारे नबी भाई बैठे हुए हैं, मिस कर रहे हैं किसी को बैठ करके, और यहाँ मैं बैठा हूँ, अब नीचे उतरना है। और बाप रे, और जगह जब इंसान को डर लगता है तो मम्मी याद आती हैं, या मम्मी और पापा दोनों याद आ रहे हैं। इन खड़ी चट्टानों पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे अगर किसी चीज़ का मिला है तो मिला है अपने इन जूतों का, मैंने परचेज़ किए थे। अगर आप भी आउटडोर में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और कैंपिंग या कैंपिंग हाइकिंग या ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपके पास होने चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ मेरी अमेज़ॉन शॉप है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, सस्ता किफ़ायती और बढ़िया प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए। और जो मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो आउटडोर इक्विपमेंट्स हो, वो सब वहाँ हैं, तो एक बार ज़रूर जाइएगा, चेक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो परचेज़ कीजिएगा। सबसे ख़ास बात इस जगह के बारे में ये है कि ये जो नॉर्मल टूरिस्ट हैं उनसे बची हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेयरिंग रास्ता है और चढ़ाई भी मुश्किल है, तो बहुत से लोग यहाँ नहीं आ पाते। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप स्पिरिचुअल हैं और ऐसी ही हिडन लोकेशंस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है पुष्कर की। और नाम एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, विश्वामित्र। ये वही जगह है कि जहाँ विश्वामित्र जी ने बैठ करके तपस्या की थी।
अभी हम लोग ऊपर आते चढ़ते चढ़ते हमारे बड़े भैया हैं, पुष्कर से ही हैं, और आप भी आए हुए थे और भी काफ़ी सारे लोग हैं कि जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो ऊपर ही हैं। तो अभी वो रुके हुए हैं और उन्होंने बताया कि उनको एक मधुमक्खी ने काट लिया उनकी आई पे, तो आगे मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, तो हम भी कन्फ्यूज़ हैं कि आगे अभी जाएँ या रुक करके जाएँ। नहीं जाना चाहिए ना भैया? रुक के जाओ बढ़िया। हाँ तो बेटर यही है कि यहाँ थोड़ी देर रेस्ट ही कर लिया जाए। A few moments later. लगभग पौना घंटा यहाँ बैठे बैठे हो गया क्योंकि मक्खियाँ आगे बहुत उड़ रही थी और स्पेशली मेरे पास भी आने लगी क्योंकि मैंने भी डीओ लगाया था और जो भैया मैंने दिखाए थे उनको भी इसलिए काटा था क्योंकि उन्होंने डीओ लगाया हुआ था। तो पौने घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया। यहीं नबी भाई भी हमारे बैठे हुए हैं और भैया हैं, तो अभी क्या करें। हालांकि स्थान वो ज़्यादा दूर नहीं बचा, वो जगह बहुत पास है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कैसे वहाँ जाएं आगे क्योंकि और भी 100-150 मक्खियाँ उड़ रही हैं ऐसा बताया। तो अभी थोड़ा और वेट कर रहे हैं, शायद दिन छुपे तो फिर आगे जाएंगे। इंतजार करने के बाद मैं भी ऊपर आ गया हूँ। अभी भी हालत ज़्यादा सही नहीं है, वो डर अंदर बैठा हुआ है मधुमक्खियों वाला। भाई लोग हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं पूरे, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन जो नीचे फेस करके आया हूँ पिछले एक घंटे वो मुझे पता है कि वहाँ क्या फेस किया है। तो और अभी यहाँ पे आया तो यहाँ तो 50-100 मक्खियाँ उड़ रही हैं, ये जंगली मक्खियाँ बड़ी वाली काट ले सुझा देती है। नमस्ते, ये वो जगह है जहाँ पर विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी, यहाँ उनका धुनी का स्थान है। इस गेट को वापस बंद कर देते हैं। अभी रात को जो यहाँ प्रसाद बटेगा, जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी चल रही है। तो देखिए ये बाटियाँ बन रही हैं, यहाँ कुछ मेडिटेशन चल रहा है पीछे, मैं भी शायद अभी ट्राई करूँगा, और सारे अपने भाई लगे हुए हैं। बहुत स्पिरिचुअल जगह है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हालांकि मुझे आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई यहाँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार लाइक बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ चावल बन रहे हैं और सब लोग अपने भाई लोग लगे हुए हैं काम पे। आप सभी लोग पुष्कर से हैं, बहुत बिजी सबका शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन ज़रूर निकालते हैं। विश्वामित्र जी का आश्रम है वहाँ उस जगह, मैं हूँ अभी यहाँ पहाड़ी पे थोड़ा सा ऊपर और ट्रैक करता हुआ आ गया था। भाई को भी और ऊपर जाना है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ इशू हो रखा है कैमरा के साथ, शायद वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं मुझे नहीं पता। तो आखिर क्या इशू है वो तो जब इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो पता चलेगा। तो मैं फाइनली लौट रहा हूँ आश्रम पे। आश्रम पे बाटी बन रही है, दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं और बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल फूड बन रहा है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभव रहा है मेरे लिए, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह होगी यहाँ, क्योंकि मैंने जितना इंटरनेट पे पढ़ा था पुष्कर के बारे में उसमें ये सब चीज़ें नहीं आई। तो थैंक्स टू माय होस्ट अभिषेक के आप मुझे यहाँ इतनी खूबसूरत जगह लेकर के आए। सनसेट हो रखा है वहाँ सनसेट हो रहा है वहाँ उस जगह, आप देख रहे होंगे वहाँ सनसेट हो रहा है, तो सही लग रहा है बहुत। अभी खाना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नीचे जाना है। अभी लगभग 10 बजे हुए हैं। खाने में बाटी है, चावल है, हलवा है बहुत बढ़िया एक नंबर, और दाल है।